हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सबके हाल चाल बढ़िया होंगे। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ट्रिपल आर मूवी के न्यू सॉन्ग जननी के ऊपर। इससे पहले मैंने इसके हिंदी वर्जन के ऊपर रिएक्ट करा था, उसके अंदर जो म्यूजिकल डायरेक्टर थे वो थे MM क्रीम, बट इसके अंदर म्यूजिकल डायरेक्टर अलग है। इसके अंदर है MM कीरावानी एंड लिरिक्स भी MM कीरावानी ने ही दिए हैं, एंड जो सिंगर है वो भी MM कीरावानी है, एंड कोरस जो बैकग्राउंड के अंदर चलेगा वो डिफरेंट आर्टिस्ट देंगे। सो मेरे ख्याल से म्यूजिकल डायरेक्टर तो सेम ही रहता है ना, लिरिक्स चेंज होते हैं। मे बी हिंदी के अंदर उन्होंने अपना डिफरेंट नाम मेंशन किया है या दोनों डिफरेंट लोग हैं। मे बी मेरे को आप कमेंट्स में बता देना, MM कीरावानी और MM करीम दो अलग अलग इंसान हैं या सेम ही है, हिंदी के लिए उन्होंने अपना नाम चेंज करा। मे बी, पता नहीं मेरे को, बट अभी देखते हैं सॉन्ग कैसा है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Our earth thrives with the many pulse-pounding moments underlying all those spectacular sequences is the one consuming immersion that salivates them, giving musical form to the beats that very heart was one of the most fulfilling experience. MM Keeravani proudly presenting the soul of anthem of Tripala Janani. Lyrics are slightly different maybe from Hindi one. Mari Meeru. Sarojini, nenante na poratam. Antulonu sakam. अजय देवगन ने खुद अपनी वॉइस डब करी है क्या तेलुगु के अंदर? सो ये था सॉन्ग, एंड ये वाला सॉन्ग मेरे को ज़्यादा पसंद आया, पता नहीं क्यों। हिंदी वर्जन भी अच्छा था, बट मेरे को इसके अंदर ना स्लाइटली कुछ थिंग्स डिफरेंट लगी। म्यूजिक मेरे ख्याल से सेम ही था जो हिंदी वर्जन के अंदर था, बट जो लिरिक्स थे ना, लिरिक्स के अंदर बोलने का स्टाइल या लिरिक्स थोड़े बहुत डिफरेंट थे, जो मेरे को इसके अंदर स्लाइटली बेटर लगे। बट मेरे को ये वाला सॉन्ग ना थोड़ा वाइब ज़्यादा दे रहा था, एंड जो इसके अंदर इमोशन थे ना वो ज़्यादा फील हो रहे थे हिंदी वाले से, एंड हिंदी वाले के अंदर भी बहुत ज़्यादा फील हो रहे थे। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ ना तो मेरे को तेलुगु वाला ज़्यादा बेटर लगा, बट ऑन द इक्वेशन दोनों ही टॉप पर हैं क्योंकि दोनों सेम मूवी से हैं। सो अगर हम ट्रिपल आर मूवी की बात करें ना, सो ट्रिपल आर गोइंग ह्यूज मैन। मतलब इससे पहले जो सॉन्ग आए थे उसके अंदर NTR एंड रामचरण का इतना अच्छा डांस देखने को मिल रहा था, एंड उन दोनों को देख के हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी, एंड आफ्टर दैट दे आर रिलीजिंग दिस मैन। इसको देखने के बाद हमें स्क्रीन प्ले के हिसाब से और म्यूजिक के हिसाब से थोड़ा सा सैड तो फील होता है, लेकिन इसको सुनने के बाद ना एक अंदर से प्राउड की मूवमेंट भी आती है, अंदर से बहुत ज्यादा प्राउड होता है। सो जब ये मूवी आई थी ना तो मेरे
हमारे माइंड के अंदर यही था कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी होने वाली है फायर वर्सेस आइस के थीम के ऊपर, एंड इसके बाद ये कंटिन्यूसली उस थीम के ऊपर वर्क करेंगे। बट जैसे जैसे इस मूवी का टीजर आया, ट्रेलर आया, सॉन्ग्स आए, एंड उन्होंने ना वो कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, मतलब ऐसा बना दिया कि इट जस्ट अ पार्ट ऑफ द मूवी, इट्स नॉट ऑल अबाउट द मूवी। एंड ये मूवी उन सब चीजों से बहुत ज्यादा बड़ी है, एंड इसके अंदर बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर है, हेट है, लव है, प्राउड है, देशभक्ति की फीलिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स है ना जो इसके अंदर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड यही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है इस मूवी को। एंड ये मूवी फायर और आइस तो नहीं होने वाली, क्योंकि वो जस्ट पार्ट है मूवी का, वो दो करेक्टर हैं, बट ये मूवी उन करेक्टर से बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। एंड आई थिंक ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड बहुत सारे सोशल फैक्टर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, एंड बहुत सारे सोशल इश्यूज के ऊपर भी बात करी गई है इस मूवी के अंदर। एंड जब आप ये ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कितने सोशल फैक्टर इसके अंदर स्मार्टली इंक्लूड करे गए हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मास्टरपीस। आई एम रियली गोइंग टू वॉच दिस मूवी। 7 जनवरी को होने वाली है रिलीज, एंड आप सब भी जरूर देखना, क्योंकि ना जब ये मास्टरपीस रिलीज होगा, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले इस मास्टरपीस को विटनेस करूँ। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। एंड अगर आप सबको भी ये सॉन्ग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड जरूर जाके ये मूवी देखना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ मास्टरपीस। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू enjoyed the video, and if you want me to do more videos like this, please mention in the comment, and I will meet you in the next video. Till then, bye bye, ta da.